पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनसे जुड़े संस्मरण सुनाए। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा नेताओं ने भोपाल के डीबी मॉल के सामने स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अटल जी के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी को याद करते हुए उनसे जुड़े संस्मरण साझा किए। जब भी उनके सामने जाता था तो वो यही कहते थे, आओ विनी साहब। उनके बात करने का तरीका और अंदाज मेरा था। कोई कितना भी तनाव में जाए, अटल जी तो खिलखिला ही देते। एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मैं महामंत्री हुआ करता था। अटल जी के पैर का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन हुआ। बीच में चाय का ब्रेक होता है तो चाय पीने अक्सर जाते थे, लेकिन वो बंच पे ही बैठे रहे कि मैं कहाँ उठ के जाऊं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब चाय लेंगे कि काफी लेंगे? चाय भी चलेगी, काफी भी चलेगी, कुछ नहीं हो तो पानी। इस भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वमान्य नेता कोई हो सकता है, तो पक्ष हो या विपक्ष हो, संसद हो या संसद के बाहर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता भारत के हुए हैं जो एक सर्वमान्य नेता के तौर पर सभी दल भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक आदर्श उदाहरण के तौर पर आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो इन सारी बातों को देखती है कि इस प्रकार से सर्वमान्य नेता बनने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कैसे किया। देश के अंदर गुड गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस सुशासन को जमीन पर उतारने का जो काम कर रहे हैं, ये सूत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन के तौर पर कैसे हम राजनीतिक सत्ता में एक गुड गवर्नेंस देने का काम कर सकते हैं, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात की शुरुआत की। आज हमारा सौभाग्य है कि भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उस सपने को और उस संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अधिवेशन मुंबई के अंदर था, उनका पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने थे जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने कहा था सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी रूप की कमल का उदय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तौर पर है। आज हम सब कार्यकर्ता और पूरा देश गौरवान्वित है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।